हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 15। तो जो एमईसी वाले स्टूडेंट हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर जाएंगे हम क्लास टेंथ पे, कि क्योंकि उनके कमेंट ज़रूर आने हैं एमईसी वाले स्टूडेंट्स के कि मैम एमईसी की वीडियो डाली है फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, तो आप लोगों के सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी अपलोड होंगी और मैं साथ साथ अपलोड कर भी रही हूँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग केयरलेस हो गए हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। इसलिए तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रोबेबिलिटी आज हम सीखेंगे, चैप्टर नंबर 15 है। 15 सबसे लास्ट चैप्टर है आपका बुक का, एनसीईआरटी का। अब हम सबसे एंड से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ईजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और एमईसी वाले स्टूडेंट भी, आपका अगर कोई छोटा बहन भाई है जो क्लास टेंथ में, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हिंदी में बोलते हैं हमसे प्रायिकता, किसी चीज़ की होने की संभावना, ठीक है, किसी इवेंट के ऑकर होने का कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो किसी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, जैसे हम दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो दो कॉइन, पहले हम एक कॉइन के एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हमसे पूछा गया कि भाई हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हुए, दो, या तो हेड आएगा अगर हमने कॉइन टॉस करा, या तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमसे पूछा गया हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, टू है, और हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वन है, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में होता है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है हमारा पॉसिबल आउटकम, कि पॉसिबल आउटकम कितना है। वैसे टेल की अगर हमसे पूछी जाए कि भाई टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो कितनी है, टेल भी कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है, और टोटल आउटकम तो टू ही रहेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। चलो अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की आपको निकालनी है, किसी भी व्यवहार में पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जो आपसे पूछा गया वो आपका फेवरेबल हो गया, और जो टोटल गिवन है वो क्या हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके या मेल करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब ये आपका फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज़ होना सबसे ईजी है, सबसे अच्छी बात है। जिन बच्चों को मैथ से फियर है तो वो इस चैप्टर से बिल्कुल ना डरे, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आपको याद करना है। अब किसी इवेंट का होना, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद करके चलनी है, किसी इवेंट का होना और ना होना, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, क्या, नेगेटिव नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये तीन चीज़ें, एक आपका फॉर्मूला कि और किसी किसी इवेंट का होना ना होना इक्वल टू क्या होता है, वन। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी दे रखी है कि उसकी दे रखी है 0.5, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे ना होने की, कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कॉइन वाले जो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं कॉइन्स की तरफ, इसमें आपको कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, दो कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, और साथ साथ इसमें कार्ड्स के बारे में भी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्ड के लिए नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम कार्ड्स को डिस्कस करेंगे कि कार्ड कितने होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने डायमंड के होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी पूरी डिटेल है कार्ड के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज फिलहाल हम इसमें कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं,
क्या हुआ है, एक कॉइन को टॉस किया गया, तो एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टू हो गए। ठीक है, अब जब टू कॉइन टॉस्ड हो रहे हैं क्या हो रहा है, टू कॉइन टॉस्ड हो रहा है, ठीक है, टॉस किया गया है, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, दो कॉइन, या तो दोनों पे हेड आएगा, ठीक है, आपने दो कॉइन एक साथ उछाल रहे हो तो दोनों पे क्या आएगा, हेड, या दोनों पे क्या आएगा, टेल, या पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, तो टोटल आउटकम कितने हो गए आपके, 1 2 3 4, तो हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, 4, और जब तीन कॉइन टॉस करेंगे बच्चों का आंसर होता है 6, कि 6 आउटकम आएंगे, मतलब 6 आएंगे, 6 नहीं आते 8 आते हैं, कितने आते हैं 8 आते हैं, या तो क्या होगा तीनों पे क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, या पहले दोनों पे हेड फिर तीसरे पे टेल, या पहले पे टेल बाकी दोनों पे हेड, या फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है, टेल टेल टेल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा रह गया, टी एच टी हो गया, एच टी टी हो गया, एच टी एच, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, तो पूरे 8 आउटकम्स हो गए हैं, कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो तीन कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, 8 आउटकम्स आते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें 1 कॉइन का, तो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, 2 कॉइन का हम देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि 2 कॉइन टॉस करे गए हैं तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है, कितने 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आपके पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए, पॉसिबल आउटकम कितने हो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में आते हैं, 4 हो गए, और उसने पूछा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 बार हेड कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, और यहाँ पे, ठीक है, तो 1/4 एक बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, 1/4, क्लियर हुआ। तो ऐसे अभी हम कॉइन पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, पहले हम जो चैप्टर में जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कार्ड की, जिसमें हम कार्ड्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एक्सरसाइज के बाद हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप अब आपको जो कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।